तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छहडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पांच ढाल की चर्चा अब तक हमने की, आज से हम छठी ढाल प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। मंगलम भगवान वीरौ, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जब लो आचार्य परमेष्टि की जय। पांच ढालों की चर्चा अब तक हमने की, आज से हम छठी ढाल प्रारंभ करेंगे। छठी ढाल के अंदर मुनिराज के बाह्य जीवन का और अंतरंग जीवन का वर्णन किया है, अर्थात मुनिराज के शुद्धोपयोग युक्त शुभोपयोग का वर्णन है। कैसा होता है मुनिराज का अंतरंग शुद्धोपयोग और कैसी होती है उनकी बाह्य 28 मूल गुण रूप शुभोपयोग वृत्ति, इसको हम छठी ढाला के माध्यम से समझेंगे। यह न केवल मुनिराज की चर्या का वर्णन है, अपितु हमें भी एक दिन मुनि बनना है। इसलिए कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, जब हम मुनि बनेंगे तो हमारी कैसी वृत्ति होगी, इसका यह निरूपण छठी ढाल करती है। वास्तव में छठी ढाल हम आप सबके मुनि जीवन को बताती है कि हमारा भविष्य में मुनि जीवन कैसा होगा। आइए देखते हैं पहली दोहे के अंदर क्या कहते हैं दौलत राम जी। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरव हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी जिनके नले श्मशान जल मृण हूँ बिना दियो गहे अठ दस सहस विधि शील नर चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। भावार्थ। मुनिराज छह कायों के जीवों की हिंसा नहीं करने के कारण सब प्रकार की तीव्र हिंसा से दूर रहते हैं। राग द्वेष और भाव नहीं करने से वे भाव हिंसा से दूर रहते हैं। यह अहिंसा महाव्रत है। वे थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलते, यह सत्य महाव्रत है। वे पानी और मिट्टी भी बिना दिया हुआ नहीं लेते, यह अचौर्य महाव्रत है। वे ब्रह्मचर्य के 18,000 भेदों का पालन करते हैं और सदा निजात्मा में लीन रहते हैं, यह ब्रह्मचर्य है। मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। मूल अर्थात जड़, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ के बिना वृक्ष के पत्ते, वृक्ष के फूल, वृक्ष के अंदर फल नहीं लगते, उसी प्रकार बिना मूल गुणों के उत्तर गुण नहीं होते। जैसे मकान की नींव होती है, उसी प्रकार मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। अर्थात इन 28 मूल गुणों के आधार सर अन्य अनेक उत्तर गुण होते हैं। जिस प्रकार बिना मूल के पत्ते वृक्ष
पे नहीं हो सकते, उसी प्रकार बिना मूल गुणों के उत्तर गुणों की संभावना भी नहीं की जा सकती। कोई कहे कि उत्तर गुण तो अनेक है लेकिन मूल गुणों में कमी है, तो आचार्य कहते हैं नहीं, उत्तर गुणों में कमी हो सकती है लेकिन मूल गुणों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वृक्ष की मूल ही नहीं होगी, यदि मूल में यदि हम पानी नहीं देंगे तो वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकेगा। मकान की यदि नींव कमज़ोर होगी तो ऊपर कितना ही अच्छा महल भी खड़ा कर लें लेकिन वह मकान मजबूत नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार बिना मूल गुणों के उत्तर गुणों की संभावना भी नहीं की जा सकती। मुनिराज के कितने होते हैं मूल गुण? तो 28 मूल गुण होते हैं। प्रत्येक मुनिराज के जीवन में 28 तो नियम से होते ही है। आचार्य परमेष्टि हो चाहे उपाध्याय परमेष्टि हो चाहे सर्व साधु परमेष्टि हो, प्रत्येक साधु मुनिराज के जीवन में ये 28 मूल गुणों का अवश्य पालन होता है। ये 28 मूल गुणों के बिना मुनि जीवन की संभावना भी नहीं की जा सकती। और ऐसा भी नहीं है कि मुनिराज के जीवन में 27 मूल गुणों 26 मूल गुणों, नहीं, मुनिराज के जीवन में पूरे के पूरे ही 28 मूल गुण होते हैं। एक भी यदि मूल गुण मुनिराज के जीवन में नहीं होता तो वह पूरा मुनि जीवन नहीं कहलाता, पूर्ण मुनिपना नहीं होता, मुनिपना शोभा नहीं देता। इसलिए मुनिराज के जीवन में संपूर्ण प्रकार के 28 मूल गुण होते हैं। क्या है वे 28 मूल गुण? तो उन 28 मूल गुणों में तीन तो है पंजे, एक है छक्का और एक है 7 शेष अन्य गुण। कौन कौन से हैं वे तीन पंजे? तो 5 तो है महाव्रत, 5 पापों के पूर्ण त्याग रूप 5 है महाव्रत, और 5 महाव्रतों की रक्षा करने वाली है 5 समिति। उसी प्रकार 5 इंद्रियों के जय करने वाले हैं 5 इंद्री जय मूल गुण। इस प्रकार से तीन हो गए पंजे, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्री जय, 3 पंजे अर्थात 15, और 6 आवश्यक जो प्रत्येक मुनिराज के जीवन में अवश्य करने योग्य होते हैं। ऐसे 6 आवश्यक हैं, 15 और 6 21, और 7 शेष अन्य गुण हैं जिनकी चर्चा हम समय पाने पर करेंगे। तो इस प्रकार से 21 और 7 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं। एक बार पुनः दोहरा दें, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्री जय, 6 आवश्यक और 7 शेष, इस प्रकार 28 मूल गुण मुनिराज के होते हैं। इनमें से सर्वप्रथम 5 महाव्रतों का वर्णन इस छठी ढाल के प्रथम दोहे में किया है। प्रथम पंक्ति को हम देखते हैं, क्या है प्रथम पंक्ति? षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। षटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, अर्थात 6 काय के जीवों की हिंसा का पूरी तरह से त्याग करने से मुनिराज के जीवन में किसी प्रकार की द्रव्य हिंसा नहीं होती है। क्या है ये 6 काय के जीव, षट काय के जीव क्या है, इसको हम एक अल्प विराम के बाद अच्छे से समझेंगे। जय जिनेन्द्र। छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। 6 काय के जीवों की हिंसा मुनिराज नहीं करते, कौन है वे 6 काय? तो 5 तो है उसमें स्थावर काय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय, और छठा है त्रस काय अर्थात 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। तो इन 6 काय के जीवों की हिंसा मुनिराज न मन से, न वचन से, न काय से करते हैं, न स्वयं करते हैं, न किसी से कराते हैं, न कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार मुनिराज 6 काय के जीवों की हिंसा के 9 कोटि से त्यागी होते हैं। 9 कोटि अर्थात मन से करने कराने और अनुमोदना का त्याग है, वचन से करने कराने अनुमोदना का त्याग है, और काया से भी करने का, कराने का और अनुमोदना का त्याग है। इस प्रकार मुनिराज 9 कोटि से 6 काय के जीवों की हिंसा के त्यागी होते हैं। यह होती है उनकी द्रव्य हिंसा का त्याग, अर्थात वो किसी भी जीव को जल ढोलने का, पृथ्वी खोदने का, अग्नि जलाने का, वनस्पति काटने, छेदने, भेदने का किसी प्रकार का न उपदेश देते हैं,
न कोई वनस्पति आदि छेदन भेदन कर रहा हो, किसी प्रकार से भी स्थावर जीवों की हिंसा कर रहा हो, तो उसकी अनुमोदना नहीं करते, उसको अच्छा नहीं कहते। जिन कार्यों में जीवों की हिंसा होती है, उन कार्यों को करने का उपदेश वे कभी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वे 9 कोटि से हिंसा के त्यागी है। यह है द्रव हिंसा का त्याग। और भाव हिंसा में कहा है कि रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, अर्थात वे रागादि भाव का निवारण करते हैं और इसीलिए वे भाव हिंसा के भी त्यागी होते हैं। यहाँ पर रागादि भाव को भाव हिंसा कहा है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि रागादि भाव से भाव हिंसा कैसे होती है? हम राग भाव करें, हम किसी दूसरे से प्रेम करें, तो इसमें किस प्रकार की हिंसा होगी? तो भाई, रागादि भाव करने से, दूसरे के प्रति प्रेम करने से, दूसरे से स्नेह करने से, दूसरे से प्रेम करने से हमारी आत्मा के शुद्धोपयोग रूपी भाव प्राणों का घात होता है, और इसीलिए हमारी आत्मा की हिंसा होने से इसे हिंसा कहा गया है। यद्यपि यह राग भाव दूसरों की हिंसा में कारण दिखाई नहीं देता, लेकिन यह राग भाव हमारी आत्मा की हिंसा अवश्य करता है। जब जब आत्मा में राग भाव उत्पन्न होता है, तब तक उस आत्मा की हिंसा अर्थात आत्मा का घात नियम से होता है। ये रागादि भाव ही आत्मा के घात करने वाले परिणाम है। इसलिए मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का राग नहीं होता। 3 कषाय चौकड़ी का चूंकि उनके अभाव होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानारण और प्रत्याख्यानारण, इन 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने से 3 प्रकार के रागादि भाव, 3 प्रकार की माया और लोभ का भी उनके अभाव होता है, और इसीलिए उनके अंतरंग में रंच मात्र भी रागादि भाव 3 कषाय संबंधित नहीं होते। यहाँ तक कि राग भाव को ही हिंसा का मुख्य कारण कहा है। दुनिया में जितनी भी हिंसा होती है, उन सब में असली कारण राग है। कभी कोई किसी से व्यर्थ में द्वेष नहीं करता। जब हमारी किसी चीज़ के अंदर कमी पड़ती है, तब हम किसी से झगड़ते हैं। हम सड़क चलते कभी किसी से नहीं झगड़ते। हमारा झगड़ा कोई ना कोई कारण को लेकर होता है। किन कारणों को लेकर होता है? तो व्यक्ति जड़, जोरू और जमीन के लिए लड़ता है। जमीन के लिए लड़ेगा, या सोने के लिए लड़ेगा, या अपनी स्त्री के लिए लड़ेगा। तो ये जो इसकी लड़ाई हो रही है, पत्नी के लिए, सोने के लिए और जमीन के लिए, उसमें आप देखेंगे कि उसमें राग ही असली कारण है। आज तक दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हुई है, वो किसी न किसी वस्तु के प्रेम के कारण से हुई है, किसी न किसी वस्तु के राग के कारण से हुई है। वो यही कारण है कि उन्होंने रागादि भावन अवतरे, अर्थात रागादि भाव का नहीं होना, उसको उन्होंने अहिंसा कहा है। द्वेष का नहीं होना, ये तो पूरी दुनिया ही मानती है कि अहिंसा है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि रागादि भाव का भी नहीं होना अहिंसा है। क्योंकि द्वेष को तो पूरी दुनिया हिंसा मानती है, लेकिन राग भाव को दुनिया हिंसा नहीं मानती। और यहाँ दौलत राम जी यही कहना चाहते हैं कि भाई, रागादि भाव ही असली हिंसा है। द्वेष तो हिंसा है ही, द्वेष को तो पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन जिस राग को दुनिया हिंसा नहीं मानती, वो वास्तव में रागादि भाव वो हिंसा है। क्यों? क्योंकि संसार के सारे झगड़ों में मूल कारण राग है। पैसे से राग है इसलिए हम लड़ रहे हैं, जमीन से राग है इसलिए हम लड़ रहे हैं, उसी प्रकार पत्नी से राग है इसलिए हम लड़ रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े युद्ध हुए, रामायण हुआ। क्यों हुआ वो रामायण? पत्नी के राग के कारण से पूरा रामायण का युद्ध लड़ा गया। रावण को भी स्त्री का राग था और राम को भी स्त्री का ही राग था। उस राग के कारण ही पूरी युद्ध की हिंसा हुई। उसी प्रकार महाभारत की हिंसा वो जमीन के राग के कारण हुई। और बनियों की जितनी भी हिंसाएं होती है, जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उनके धन के, रुपये पैसे के राग के कारण से होता है। जब उनका कोई रुपया पैसा छीन लेता है, कोई सोना चांदी ले लेता है, किसी प्रकार की उनकी संपत्ति हड़पता है, तो उनका चूंकि संपत्ति में इतना प्रेम होता है कि उस संपत्ति के प्रेम के कारण जो कोई उस संपत्ति का विध्वंस करता हुआ दिखाई देता है, उसके प्रति उन्हें द्वेष का भाव आता है, उसके प्रति वे हिंसा करने लगते हैं। तो मूल में कारण है राग। यदि हमें राग ही नहीं होगा तो द्वेष स्वयमेव नहीं होगा। इसीलिए दौलत राम जी ने यह रागादि भाव के निवारण को अहिंसा का कारण कहा। आज हमारी जो भोजन संबंधी भी जितनी हिंसा हो रही है, खान पान संबंधी, अभक्ष संबंधी जितनी भी हिंसा है, उन सब में भी कारण राग है। कई लोग कहते हैं कि हमसे आलू नहीं छूटता, क्योंकि हमें आलू खाने का बहुत प्रेम है। तो
तो आलू खाने का प्रेम है अर्थात आलू का तीव्र राग है, इसीलिए वे अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि एक आलू के अंदर अनंत जीव पाए जाते हैं और जो एक आलू को खाता है वो अनंत जीवों की हिंसा करता है। तो अनंत जीवों की हिंसा में भी कारण आलू के प्रति राग है। उसी प्रकार हमारे जो वस्त्राभूषण होते हैं, कई लोग सिल्क के वस्त्र पहनते हैं, एक सिल्क की साड़ी के अंदर 6 मीटर कपड़ा लगता है और 1 मीटर कपड़े के अंदर 6,000 कीड़े मरते हैं, तो एक साड़ी के अंदर 36,000 कीड़े मरते हैं। 36,000 कीड़ों को मार के भी यदि कोई महिला सिल्क की साड़ी पहनती है तो इसका मतलब है कि उसे सिल्क के कपड़े से बहुत राग है। तो वहाँ भी हम देखते हैं कि वो राग के कारण ही हिंसा कर रही है। उसी प्रकार श्रृंगार सामग्री जो जितनी उपयोग में आती है वो सब शरीर के राग के कारण होती है, इसीलिए आचार्यों ने राग को हिंसा का मुख्य कारण कहा है। ये रागादि भाव हमारी आत्मा को जलाते हैं, रागादि भाव हमारे आत्मा को दुखी करते हैं और ऐसा रागादि भाव मुनिराज के नहीं पाया जाता, इसलिए उनके भाव हिंसा भी नहीं होती। राग चाहे कितने भी अंश में हो है वह हिंसा का ही रूप। तीव्र राग तीव्र हिंसा है, मंद राग मंद हिंसा है। मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, इसलिए उनके 3 प्रकार का रागादि भाव 3 कषाय चौकड़ी का राग भी नहीं होता। उनके जो राग होता है वो संजुलन का राग होता है, लेकिन वह संजुलन का राग भी नष्ट होने के सन्मुख है और यही कारण है कि मुनिराज के द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों प्रकार की हिंसाएं नहीं होती। आगे हम समझेंगे क्या है सत्य महाव्रत का स्वरूप और क्या है अचौर्य एवं ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप एक अल्प विराम के बाद। जय जिनेन्द्र छैडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने चर्चा की द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का क्या स्वरूप है। द्रव्य हिंसा अर्थात 6 काय जीवों की हिंसा और भाव हिंसा अर्थात रागादि भाव की उत्पत्ति। मुनिराज द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। वास्तव में हिंसा रागादि भाव की उत्पत्ति है, रागादि भाव ही हिंसा के कारण है और जिनके आत्मा में रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होती वे ही वास्तव में हिंसा के त्यागी होते हैं। आगे दौलत राम जी कहते हैं सत्य अनुव्रत सत्य महाव्रत के अंतर्गत कि जिनके न लेश मृषा अर्थात जिनके रंच मात्र भी झूठ नहीं होता, जिनके किसी प्रकार किसी भी रूप में सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोला जाता वे कहलाते हैं सत्य महाव्रत के धनी। और न जल मृण हूँ बिना दियो गए अर्थात मुनिराज जल और मिट्टी भी बिना दी हुई ग्रहण नहीं करते। मुनिराज अचौर्य महाव्रत के धनी होते हैं, इसलिए वे बिना दी हुई मिट्टी भी नहीं लेते। जो मिट्टी जन सामान्य के उपयोग की होती है वह मिट्टी भी मुनिराज बिना दी हुई किसी से ग्रहण नहीं करते। अर्थात जल यदि कोई देगा और मिट्टी कोई देगा तो ही वे मुनिराज ग्रहण करेंगे, बिना दी हुई जल और मिट्टी को भी ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार समस्त प्रकार से वे चोरी के त्यागी होते। आगे कहा है 8-10 सहस्र विधिशील नर अर्थात मुनिराज 18,000 प्रकार से शील को अर्थात ब्रह्मचर्य को पालते हैं। क्या होते हैं वे 18,000 प्रकार के भेद? तो उसमें होते हैं चेतन अचेतन दोनों प्रकार की स्त्री। अचेतन स्त्री में कास्ट की बनी हुई चित्री, कास्ट की बनी हुई स्त्री, कागज पे बनी हुई स्त्री और चैतन्य में पुरुष की स्त्री, देवांगनाएं, त्रियंचनी स्त्री, इन समस्त प्रकार की स्त्रियों के त्यागी होते हैं। यहाँ तक कि जिस कागज पर यदि किसी स्त्री का चित्र बना हो तो वह कागज मुनिराज अपने हाथ से स्पर्श भी नहीं करते। किसी जिनवाणी में यदि किसी महिला का फोटो भी होगा तो वह जिनवाणी मुनिराज स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुनिराज चेतन अचेतन समस्त प्रकार के स्त्रियों के त्यागी हैं। मुनिराज स्त्रियों से 7 हाथ दूर ही रहते हैं, क्योंकि एक नियम है कि मक्खन कितना ही अच्छा हो लेकिन यदि वह अग्नि के संपर्क में आएगा तो वह मक्खन नियम से पिघलेगा। उसी प्रकार मुनिराज स्त्रियों से अत्यंत दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि स्त्रियों का निकट होना उनके परिणामों में
विकार को उत्पन्न कर सकता है। और यही कारण है कि शील के 18,000 भेद गिनाए हैं, उनमें चेतन और अचेतन समस्त प्रकार की स्त्रियों का त्याग कहा है। इसलिए मुनिराज अखबार आदि नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, क्योंकि ये सब अब्रह्म के पोषक हैं। अखबारों में अनेक प्रकार की स्त्रियों के चित्र आते हैं, उन सबको देखने से और उन अखबारों को स्पर्श करने मात्र से परिणामों में विकृति आना संभव है। और यही कारण है कि मुनिराज जब संपूर्ण प्रकार से ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करते हैं तो वे स्त्री से कोसों दूर अर्थात पूर्ण रूप से स्त्री के त्यागी होते हैं। और भी स्त्री त्याग महाव्रत के अंतर्गत जो 5 भावनाएं कही है कि स्त्री के अंगों का निरीक्षण नहीं करना, स्त्री कथा नहीं करना, गरिष्ठ रस का भोजन नहीं करना, पूर्व में भोगे गए भोगों को याद नहीं करना और अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना, मुनिराज इन समस्त भावनाओं को भाते हैं और अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते हैं। 10 लक्षण धर्म की पूजा में आता है कि शील ऐसा रत्न है जिसकी 9 बार लगा के रक्षा करनी चाहिए, अर्थात मन से, वचन से, काया से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, इन 9 प्रकार से शील रूपी रत्न की रक्षा की जाती है। जो ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करते हैं वे एक कमरे में कभी स्त्री के साथ नहीं रह सकते, यहाँ तक कि आरिका माता भी होती है तो आरिका माता अनेक स्त्रियों के साथ में आती है और एक मुख्य आरिका माता को आगे करके कोई प्रश्न पूछना होता है तो पूछती है। ब्रह्मचर्य का घात स्त्री के यदि अंग उपांग पर दृष्टि जाएगी तो ब्रह्मचर्य का घात हुए बिना नहीं रहेगा। यही कारण है कि मुनिराज स्त्रियों से एक स्थान पर जहाँ पर अन्य कोई पुरुष न हो वहाँ पर उससे बातचीत नहीं करते, क्योंकि वह परिणाम में विकृति उत्पन्न करने का कारण है। 8-10 सहस्र विधि शील नर। और ये तो हुआ व्यवहार ब्रह्मचर्य। निश्चय ब्रह्मचर्य चिद ब्रह्म में नित रमी रहे, अर्थात चित अर्थात चैतन्य और ब्रह्म अर्थात आत्मा, चैतन्य ब्रह्म स्वरूप अपना जो आत्मा है उसमें वे निरंतर रमण करते हैं। वे भी रमणता करते हैं, लीनता करते हैं, लेकिन लीनता करते हैं अपनी आत्मा में, अपने निज आत्मा में रमणता करते हैं और स्त्रियों के समस्त प्रकार के राग का त्याग करते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के महाव्रत मुनिराज के जीवन में होते हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। गृहस्थ के यही अणुव्रत के रूप में होते हैं और मुनिराज के महाव्रत रूप में होते हैं। गृहस्थ अणुव्रत के रूप में अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य समस्त स्त्रियों का त्यागी होता है, लेकिन मुनिराज स्व स्त्री और परिस्त्री समस्त स्त्रियों के समस्त प्रकार से त्यागी होते हैं, अर्थात वे न मन में किसी प्रकार का विकार भाव लाते हैं, न वचन से किसी विकृति को लाते हैं, न काया से विकार को उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि यदि उनके चित्त में विकृति उत्पन्न हो जाए, यदि किसी प्रकार का मन में विकार भी उत्पन्न होए, तो उनके चित्त में अनंत प्रकार का संक्लेश होगा। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने त्याग तो कर दिया है, जिस चीज़ को भोगा नहीं जा सकता उस चीज़ का यदि परिणाम चित्त में उत्पन्न होगा तो वह मन में संक्लेश उत्पन्न किए बिना नहीं रहेगा। यही कारण है कि मुनिराज स्त्री से कोसों दूर रहते हैं और किसी प्रकार से अपने चित्त में विकार को उत्पन्न नहीं होने देते। यहाँ तक कि एक आसन पर जिस आसन को किसी स्त्री ने स्पर्श किया हो उस आसन का उपयोग नहीं करते। आहार के अलावा अन्य किसी भी समय पे स्त्री से निकट नहीं रहते, अर्थात स्त्री से कम 7 हाथ की दूरी अवश्य बनाए रखते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप अब तक हमने समझा, हम समझेंगे क्या है परिग्रह त्याग महाव्रत का स्वरूप। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। 6 काय के जीवों का घात करना हिंसा है। आत्मा में राग आदि भावों की उत्पत्ति भाव हिंसा है। भाव हिंसा द्वारा यह जीव स्वयं के शुद्ध उपयोग रूप प्राणों का घात करता है। मुनिराज द्रव्य तथा भाव हिंसा के त्यागी होते हैं। हमें भी यथाशक्ति दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग करना चाहिए।